नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑब्जर्वर और मैं हूं आपके साथ चानिया। ये बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाराष्ट्र चुनाव की जीत और बुधनी की जीत की कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए संबोधित किया और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सभी को बधाई दी और कहा कि सभी ने चुनाव में बहुत मेहनत की है। कार्यकर्ताओं के भरोसे से हमने जो विजय यात्रा की शुरुआत की थी वहाँ दिन रात तेजी से बढ़ती जा रही है। यहाँ जो परिणाम आए हैं वहाँ कई मामलों में सबक है, खासकर शिवसेना के लिए परिणाम सबक है, पवार की पार्टी के लिए यहाँ चुनाव सबक है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर महाराष्ट्र की सत्ता पर कब्जा किया, हम लगातार काम करते रहेंगे, विकास करते रहेंगे। अगर देखें तो कांग्रेस किस मुंह से बात करेगी, पहले कांग्रेस ने देश खोया फिर प्रदेश खोया, कांग्रेस लगातार धरातल पर जा रही है। सांसद चुनाव हमारे स्वतंत्र अध्यक्ष, मैं आपको कोटि से बधाई देना चाहूंगा, जिसके कारण से आज का ये हमारा आनंद और चार गुना आगे बढ़ा है। मैं आज के अवसर पर माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, हमारे माननीय मंत्री कृष्णा गोविंद जी, सगत महामंत्री जी, माननीय गीतानंद जी, माननीय महामंत्री भगवत दास जी, इस अवसर पर भरोसे से हमने जो विजय यात्रा प्रारंभ की और विजय यात्रा लगातार दिन दूनी रात चौकी बढ़ती आ रही, हम सब जानते हैं जो चुनाव के रिजल्ट आए ये गई सारे लोगों को स्वागत, खास करके शिवसेना, शरद पवार की पार्टी, ये सारे के सारे लोग कांग्रेस के नेतृत्व में पिछले लोकसभा